हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से बीजेपी में आए, भतीजे के बीजेपी में आने पर बुआ यशोधरा राजे ने खुशी जताई है। कहा भाई माधवराव ने मजबूरी में थामा था कांग्रेस का हाथ, आज घर वापसी हो गई है भतीजे की। परिवार दो अलग धड़ों में बटा हुआ था, सिर्फ इस वजह से कि राजनीतिक अलग अलग पार्टीज थी। तो स्वाभाविक होता है कि जब आपके राजनीतिक मतभेद हैं तो धीरे धीरे ये परिवार में भी आ जाते हैं। और इस कदम से मुझे लगता है कि वो सारे जो मतभेद के कोई भी छोटे मोटे इश्यूज हों, वो सारे इश्यूज आज नहीं रहे। मेरे भाई गए इस पार्टी से तो मजबूर होके गए, कोई ऐसी चीज प्रलोभन नहीं दिया गया, पर मजबूर होके गए। मजबूर इस तरह से होके गए कि आपातकाल के समय कि बहुत रेड्स हुए, इनकम टैक्स रेड्स हुए, वेल्थ टैक्स रेड्स हुए, कस्टम्स एंड एक्साइज रेड्स हुए, और तब तक अम्मा गई थी जेल और इमरजेंसी ख़त्म हो गई। तो वो भी बात आई मेरे सामने ही कि कितना डैमेज और हो सकता है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो हावी है तो कितनी और डैमेज कर सकती है, इतना डैमेज कर लिया है। तो मैं अब ज़्यादा और नहीं डैमेज देख सकता अम्मा। मेरे भतीजे के आने से सेंटर की पॉलिटिक्स में माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री को और शक्ति मिलेगी। एक बहुत बड़ा स्तंभ आगे की पीढ़ी का और आज का भी स्तंभ गिरा है कांग्रेस में, और उस वजन, वो जो वजन था, वो वजन अब हमारी पार्टी में आ गया है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।